गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 8 सितंबर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द ट्रिपल तलाक। कल भी हमने इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, तो थोड़ा आज वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक रूल है जिसमें मैन वुमेन को तलाक दे सकता है बिना उसकी कंसेंट के, सिर्फ यह कहकर तीन बार तलाक तलाक तलाक। ऐसे मैन वुमेन को डाइवोर्स दे सकता है मुस्लिम लॉ में। और यह प्रैक्टिस समीन अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दी थी 2002 में, लेकिन फिर भी ये बेधड़क जारी है। किन कारणों से? क्योंकि अभी भी वुमन में अवेयरनेस नहीं आई है, और एक जो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव मुस्लिम लॉ बोर्ड है ये कोर्स करते हैं वुमन को ये ट्रिपल तलाक मानने में। उसके बाद भी, इस केस के बाद में भी बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने इस ट्रिपल तलाक के खिलाफ में अपना जजमेंट दिया है। बट अब देखिए, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, वहां जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने अपने बेकार के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कैसे इसको जारी रखना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जैसे अगर तलाक आसान नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन में आके मैन वुमेन को मर्डर कर सकता है, उसको जिंदा जला सकता है। और दूसरे तरह के आर्ग्यूमेंट जैसे कि अगर तलाक नहीं होगा तो केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस जाएगा तो वहां पर ट्रैक्टर एसेसिनेशन का खतरा है, इससे वुमेन की रीमैरिज नहीं होगी। और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसमें मैन को ज्यादा अधिकार होने चाहिए। ये किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए खिलाफ में लिखने के लिए। अभी हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी पता होना चाहिए कि सोच कैसी है और इसको कैसे बदलना है। ऐसे में भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स, बेकार के आर्ग्यूमेंट्स को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहले ये बेकार के आर्ग्यूमेंट्स दो और फिर अपने अच्छे वाले आर्ग्यूमेंट्स दो। अच्छा, अब जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है यहाँ पर, और जो ये बात कह रहे हैं कि ये इस्लाम में ये मान्य है ट्रिपल तलाक, कुरान में भी जो मुस्लिम्स का पवित्र ग्रंथ है इसमें भी ये मेंशन है कि ऐसा कोई भी अधिकार ये ट्रिपल तलाक वाला मैन को नहीं दिया गया है। अब देखिए, मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, जो दो तरह की मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पर हैं। एक तो यहाँ पर मुस्लिम कंट्री है जैसे कि इंडोनेशिया और ट्यूनिशिया, ये हार्डकोर मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ मुस्लिम की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। यहाँ भी एक्सप्लिसिटली बैन है, यहाँ भी एक्सप्लिसिटली ये जो ट्रिपल तलाक की प्रथा है बैन है। और इवन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान कितना ज्यादा भयंकर वाला ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, यहाँ भी ये इम्प्लिसिटली बैन है। इम्प्लिसिट बैन कैसे है ये प्रथा? क्योंकि वहां रूल है कि इवन ट्रिपल तलाक के बाद में जो आर्बिट्रेटरी जो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है उसको मैंडेटरी करार दिया गया है। यानी ट्रिपल तलाक के बाद में भी एक आर्बिट्रेशन का प्रावधान वहां पर है, तो यानी ट्रिपल तलाक फाइनल अथॉरिटी वहां पर नहीं है, तो इसलिए इम्प्लिसिटली बैन है वहां पर। अब जबकि देखिए, ना तो कुरान में ये बैन है, ना तो इसका ये कुरान में बैन है, ना ही और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे को पूरे राइट्स दिए गए हैं, तो फिर क्यों ना इसको निरस्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अब बस बहुत हो गया, इस ट्रिपल तलाक की जो ये प्रथा है इसको इलीगल करार देना चाहिए, ठीक है। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कल मैं क्वेश्चन में आपने यू हैव गिवन वेरी डाइवर्स व्यूज और कई लोगों ने काफी अच्छा व्यू दिया। मेन यहां पर जो कंसिस्टेंस है यही उभर कर आ रही है कि हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ में नहीं जाना चाहिए, और फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर ही ऐसे है, और गांधी का एक बंदे ने कहा कि वो भी अच्छा आर्ग्यूमेंट था। और इससे क्या है, हमारी सॉफ्ट पावर से फायदा क्या होता है कि सारे कंट्रीज अब हमें एनएसजी में एंट्री मिलने की बात हो रही है, और सारे देश मानते हैं कि इंडिया ने पहले भी न्यूक्लियर में अच्छा काम किया है, और एशियन जैसी कंट्रीज भी चाहते हैं कि इंडिया इंपीरियल कंट्री नहीं है और एक शांतिपूर्वक देश है, और बहुत सारे इसके आर्ग्यूमेंट्स है। तो मेन कंसेंसस यहां से निकल कर आ रही है कि इंडिया को फर्स्ट यूज की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हमें इसके पक्ष में भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूज में क्यों जाना चाहिए। देखिए, जस्ट वी हैव टू सिंपली क्लियर दिस एग्जाम, और हमें पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स पता होना चाहिए और विपक्ष के आर्ग्यूमेंट्स पता होना चाहिए, और बिल्कुल डीप में ना जाकर दोनों आर्ग्यूमेंट्स लिखो, एक बैलेंस कंक्लूजन लिखो और बात चल काम चल जाएगा। दूसरा जो है हमारा आर्टिकल है वो मलेरिया श्रीलंका में। श्रीलंका अब एक मलेरिया फ्री कंट्री बन गया है, और ये कोई भी डिज फ्री कंट्री करार देता कौन है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक UN का ऑर्गन है। जब भी कोई देश लगातार, जिस देश में 3 साल या उससे ज्यादा किसी भी डिज का कोई केस ना निकल कर आए, तो उस कंट्री को WHO डिज फ्री करार दे सकता है, और यही हुआ है अभी फिलहाल श्रीलंका में मलेरिया के केस में। वैसे तो 2002 में ही श्रीलंका में लोकल मलेरिया खत्म हो गया था,
लेकिन उसके बाद में उसकी प्रायोरिटी ये थी कि बाहर बाहर की कंट्रीज से, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज से, ये मलेरिया हमारे देश में ना आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाई, उनके लिए इन्होंने वेक्टर और जो पैरासीट है दोनों तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई। और उन्होंने इस केस को क्या किया, उन्होंने इन जो मलेरिया के केसेस हैं उनको एक्टिवली डिटेक्ट किया, उन्होंने एक्टिवली मलेरिया के केसेस को डिटेक्ट किया। और जो पैरासाइट कैरियर होता है, यानी जो पैरासाइट वो मलेरिया फैलाते हैं, इनके सिम्टम्स नहीं दिखते, इनको पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए श्रीलंका ने बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने ऐसा किया कैसे, एक्चुअली ये जो पैरासाइट कैरियर्स होते हैं एक चैन बनाते हैं मलेरिया की, और इनको रोकना, एक इनको फैलने से रोकने के लिए इनको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इनके लिए इन्होंने क्या किया, घर घर विजिट की, और जहां भी ज्यादा मलेरिया के केसेस हैं वहां मोबाइल क्लिनिक्स खोले। मोबाइल क्लिनिक्स मतलब जैसे कोई बस में या किसी में बिल्कुल आसानी से एक्सेस होने वाले क्लिनिक्स खोले, और मॉनिटरी जो मॉनिटरिंग और सर्विलेंस है बहुत ज्यादा मजबूत बनाया इसका, और कम्युनिटी को भी इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर किया। कोई भी डिज की बात आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो कम्युनिटी को अवेयर करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन इंडिया के केस में भी। अब श्रीलंका ने उन 34 कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जहां पर मलेरिया नहीं है, और फिलहाल इनमें अब ये जो हमारे हैं अर्जेंटीना और किर्गिस्तान, वो भी इनको जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इंडिया में जो मलेरिया का स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा अलग है श्रीलंका से, लेकिन फिर भी हमें श्रीलंका से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और हम भी मलेरिया फ्री कंट्री, हमारा इंडिया फ्री ऑफ मलेरिया की ओर देख सकते हैं अगर इंडिया यही अप्रोच अपनाए कुछ चेंजेस के साथ में जो श्रीलंका ने अपनाई है। लेकिन वी नीड द डेडिकेशन एंड विल पावर फॉर दैट। अब जो अगला हमारा आर्टिकल है वो है दरगाह के बारे में। हाजी अली दरगाह में पिछले दिनों हाईकोर्ट का केस आया था। हाजी अली दरगाह में वुमन एंट्री बैन थी 2012 से, और हाईकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में उसे गलत करार दिया है और कहा है कि वुमन्स का राइट है, हाजी अली के इनर सेक्टम में वुमन्स को अलाउ करना चाहिए। फिलहाल वुमन राइट्स पर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मेंस में ऐसे में इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लाइक वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन दिस साइड। और देखिए अंबेडकर से इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल से, और बहुत अच्छा मतलब बात है ये, ऐसे में इस तरह का इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। अंबेडकर ने 80 साल पहले कहा था, जब टेंपल एंट्री की बात चल रही थी, जब टेंपल एंट्री की बात चल रही थी दलित की, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप टेंपल एंट्री पे इतना बैन जोर क्यों दे रहे हैं, अगर टेंपल एंट्री हो भी गई तो दलित को ऐसे कौन से अधिकार मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बात टेंपल एंट्री की नहीं है, बात है इक्वेलिटी की, बात है इक्वल राइट्स की। एक ये सिंबोलिक लड़ाई थी वहां पर, और वही अब हो रहा है 80 साल बाद। हाईकोर्ट ने भी यही कहा, ये फाइट है राइट टू इक्वलिटी के लिए, ये फाइट है राइट टू फ्रीडम के लिए, और पुलिस का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगर कोई इससे रोके तो। वो बात अलग है, देखिए एससी में और भी बहुत सारे केसेस हैं, और अभी जो दरगाह के ट्रस्ट के खिलाफ में जो डिसीजन आया वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये केस क्लब होगा और भी बहुत सारे केसेस से, जैसे सबरीमाला टेम्पल और अदर केसेस से। सॉरी, बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट ने ना सिर्फ एक साइन दिया, साफ साफ सिंबल दिया लाइक, और एक एक बढ़िया से उन्होंने ये भी दिखा दिया कि हम इस तरह के केसेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक ये फाइट थी, ये दो चीजों के बीच में ये फाइट थी। एक तरफ थे हमारे इंडिविजुअल राइट्स और जेंडर इक्वेलिटी, और दूसरी तरफ हमारे थे ये कम्युनिटी के राइट्स और रिलीजियस वैल्यूज। तो यहां पर और भी देखिए, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखिए तो ये भी और भी तरह की राइट्स की फाइट थी, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जो वुमन बॉडी थी उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए आर्टिकल नंबर 14 और 15। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल नंबर 15 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 है वो भी राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। और दूसरी तरफ वो बॉडीज यानी दरगाह और ट्रस्ट, इन्होंने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, इन्होंने भी 25 का ही हवाला दिया, उन्होंने कहा कि इस्लाम में अलाउड है और इसलिए राइट टू फ्रीडम होना चाहिए हमारी कम्युनिटी को। इसके अलावा उन्होंने 26B आर्ग्यूमेंट्स भी दिया। 26B क्या कहता है, राइट टू मैनेज देयर ओन मैटर, कोई भी रिलीजन अपना मैटर अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है और कोई भी स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये आर्ग्यूमेंट की लड़ाई थी आपस में, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के केसेस पर डिसीजन दिया है, और जब दलित को एक्सक्लूड किया गया था टेंपल्स में एंट्री से, और एक कास्ट बेस्ड हेरिडिटी सिस्टम था प्रीस्ट के सक्सेशन में, तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है ऑलरेडी। और देखिए अब जो
कम्युनिटी है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि हमारे धर्म में जरूरी है और वी हैव टू मैनेज आवर ओन अफेयर्स, और जो एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको केसेस को कैसे सोल्व करना स्टार्ट किया, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, जिसके बेस पे हम यह डिसाइड करेंगे कि यह प्रैक्टिस रिलीजन के लिए जरूरी है या नहीं है। सिर्फ वो नहीं प्रैक्टिसेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस मानेंगे और वो एक्सेप्टेबल होगी जो रिलीजन का एसेंशियल पार्ट होगी और इंटीग्रल पार्ट होगी, और ये डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ विल डिसाइड वेदर द प्रैक्टिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन और इट्स एसेंशियल फॉर द रिलीजन इटसेल्फ। शुरू में तो जब ये एसेंशियल प्रैक्टिस का प्रिंसिपल आया था, शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी लिबरल अप्रोच ली वहां पर, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने इन प्रैक्टिसेस को रैशनलिस्ट ग्राउंड पर भी अपनाना और परखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर आर्टिकल में दिया गया, अच्छा एग्जाम्पल है आनंद मार्गा सेक्ट। ये सेक्ट है और इस ये सेक्ट क्या करता था, तांडव डांस करता था, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया आनंद मार्गा सेक्ट को तांडव डांस पब्लिकली परफॉर्म करने से। उन्होंने कहा नो, दिस प्रैक्टिस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ आनंद योर रिलीजन, और जबकि ऐसा उनके पवित्र ग्रंथ में भी लिखा गया है। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रैशनलिस्ट ग्राउंड पर परखना स्टार्ट कर दिया, और इस केस में भी हाजी अला दरगाह केस में भी हाई कोर्ट ने इसी बात का तो सहारा लिया है। वो देखिए, वो हाई कोर्ट लंबी लंबी डिबेट्स में नहीं गए, इस्लाम क्या है, इस्लाम में जेंडर राइट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने सिंपली कहा कि आप हमारे सामने प्रूफ रखिए कि आपके रिलीजन में ये वैलिड है, और बाद में जब उन्होंने प्रूफ रखे तो उन्होंने कहा नहीं, हाजी अली जो ट्रस्ट है उन्होंने कहा नहीं, आप सफिशिएंट प्रूफ हमारे सामने नहीं रख पाए हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस बिल्कुल आपका रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। और यू नो एक और बात जो उनके खिलाफ गई, 2012 तक, आपको भी आश्चर्य होगा, 2012 तक वुमन की एंट्री इंटरनल सैंक्टम जो हाजी अली दरगाह का है वहां पर अलाउड थी, 2012 से वो बैंड है। तो एकदम से ऐसे क्या हो गया कि शरिया को उन्होंने अलग तरह से डिफाइन कर दिया, फिर इंटरप्रेट कर दिया, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। और एक जो अलग केस हाईकोर्ट ने आर्ग्यूमेंट अपना दिया, उन्होंने कहा कि जो आपका जो ये ट्रस्ट है, आप कहते हो कि हम अपने रिलीजियन अफेयर अच्छे हमारे हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो यहां पर हाईकोर्ट ने एक चलाकी खेली, उन्होंने कहा कि आपका जो ट्रस्ट है, हाजी अली दरगाह का जो ट्रस्ट है, वो इंडिपेंडेंस से पहले बनाया गया था एक स्कीम के तहत में, और ये जस्ट चैरिटी ट्रस्ट है, किसने आपको अधिकार दिया? उस स्कीम में कहीं नहीं लिखा गया कि आप अपने रिलीजन को अच्छा इंटरप्रेट करें या फिर उसको अपने हिसाब से मैनेज करें। और दरगाह एक पब्लिक स्पेस है, यहां पर किसी की भी एंट्री को आप नहीं रोक सकते। और यही आर्ग्यूमेंट 80 साल पहले अंबेडकर ने दिया था, जब टेंपल एंट्री की लड़ाई चल रही थी दलित के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि स्कूल्स, रोड्स, कॉलेजेस, ये एक पब्लिक स्पेस है, नो वन कैन डिनाई द एंट्री ऑफ दलित्स इनटू दीस स्पेसेस। ये लड़ाई एक सिंबॉलिक लड़ाई है, ये लड़ाई एक हक की लड़ाई है, ये लड़ाई इक्वालिटी के लिए है, सिविल राइट्स के लिए है। और ये अभी एक पॉलिसी जो देखिए, अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है, फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट्स के खिलाफ में है, तो और हाजी अली दरगाह का जो ट्रस्ट है एक प्राइवेट बॉडी है, तो कैसे हाईकोर्ट जजमेंट दे सकता है? तो यहां पर हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया, स्टेट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करे, उनका काम यह भी है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उनको रोके। ये एक अलग तरह का आर्ग्यूमेंट है। तो ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल था, 3-4 पॉइंट्स को ऐसे में भी यूज कर सकते हैं और अपने आंसर में भी कहीं भी वुमन पार्ट्स का। एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए सिंपल अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, सिंपल हो सकता है कि साफ साफ क्वेश्चन ना निकल कर आए कि ये ट्रिपल तलाक पर मेंस में क्वेश्चन ना आ पाए, लेकिन आपको इन सब जो आर्ग्यूमेंट्स निकल कर आए हैं इनको अपने आंसर्स में यूज करना है, इंटरलिंकिंग करनी है, तभी आंसर मिलेंगे। जैसे और कोई फेमिनिज्म या फिर वुमन राइट्स का क्वेश्चन वहां पर आता है या वुमन डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन आता है, तो ये सब रिसेंट एग्जाम्पल दीजिए ना, हाजी अली दरगाह का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल आप दीजिए, इसी से तो इंटरलिंकिंग होगी। जो अगला हमारा आर्टिकल है वो FDI के बारे में, FTA काफी घिसापिटा इशू अब है, लेकिन कुछ 2-3 आर्ग्यूमेंट अच्छे हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी बढ़ जाएगी इससे। तो FDI, हम सब पढ़ते हैं कि हमारे देश में इंटरनल ग्रोथ के लिए हमें FDI की जरूरत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो FDI बाहर से और इनफ्लो ऑफ कैपिटल पर्टिकुलरली FDI बहुत जरूरत है। और PM ने भी हमारे इंटरव्यू में कहा था कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए FDI का आना जरूरी है। और
देखिए, हम अपने से कुछ भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। हमारा जो एफआरबीएम एक्ट है वो एक फिस्कल डेफिसिट कम होने की बात करता है, और इसमें करंट डेफिसिट भी कम है जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है। एफडीआई पॉलिसी हमारी ऐसी, हमने ऐसी बनाई है कि, और हम ऐसी प्रमोट करते हैं यू कैन से दैट, कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई हमारे यहाँ पर आए। जैसे एफडीआई सेक्टर को हम डीरेगुलेट कर देते हैं, परसेंटेज बढ़ा देते हैं, आप भी देखते होंगे, 100% एफडीआई इज अलाउड इन टेक्सटाइल सेक्टर, पेपर सेक्टर। तो हमारी एफडीआई पॉलिसी हमेशा से ऐसी बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आए। देखिए, अब रैशनल है क्या एफडीआई? एफडीआई चाहिए क्यों? इन्वेस्टमेंट तो चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लोकली या डोमेस्टिकली क्यों ना हो? हम हमेशा ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट एफडीआई से ही आए? देखिए, प्राइवेट जो सेक्टर है वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भागता है, और जो एफआरबीएम एक्ट है उसमें स्टेट की इनेबिलिटी है, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस किया, तब तो बाहर से ही तो एफडीआई आएगी, नहीं तो नेशनल जो हमारी कंडीशंस हैं उसमें जरूरत है क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर पैसा नहीं है तो बाहर से एफडीआई लाने का मतलब बनता है। अगर अच्छा पैसा खासा अगर हम इंटरनली मोबिलाइज कर सकते हैं और डोमेस्टिकली जनता से या फिर बैंक से ले सकते हैं, तो एफडीआई की जरूरत क्या है? क्योंकि एफडीआई के नुकसान भी तो बहुत ज्यादा है। एफडीआई अनरिलायबल होती है बहुत ज्यादा, यानी इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, ये कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, और इनको जहां भी कॉन्स्टेंट फायदा दिखता है वहां ही चली जाती है। जैसे आज हमारी मार्केट में एफडीआई आई हुई है, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि चाइना में ज्यादा फायदा है, वियतनाम में ज्यादा फायदा है, बांग्लादेश में ज्यादा फायदा है, तो झट से वो अपने पैसा निकालेंगे और वहां अपना पैसा लेके कहेंगे चल मेरे भाई हम तो वहां इन्वेस्ट करेंगे। और जो ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज हैं टू अट्रैक्ट एफडीआईज, आजकल देश क्या करते हैं, आजकल सारे देशों में एक लड़ाई चल रही है आपस में एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो टैक्स होलीडेज करते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, लैंड कम प्रोवाइड में, यानी मार्केट रेट से कम प्राइसेस पर लैंड प्रोवाइड करते हैं। तीसरा वो क्या करते हैं, लेबर राइट्स को डाइल्यूट कर देते हैं, यानी ज्यादा जो कंपनीज बाहर से आ रही है उनको दिखते ना आए, और पेटेंट बनाने की प्रोसेस को भी वो आसान कर देते हैं, यानी आसानी से पेटेंट पे रजिस्टर किया जा सके। और हम भी तो यही कर रहे हैं, मेक इन इंडिया में देख लीजिए आप, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे हम ये सारी पॉलिसीज को अपना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई हमारे देश में आए। देखिए, यहाँ पर एक नोकिया का केस इंटरेस्टिंग केस है। नोकिया अच्छे खासे मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा था और हमारे देश में, तब उसे लगा, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि हम यहां से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? उन्होंने कहा कि वियतनाम तो हमें ज्यादा टैक्स कंसेशन दे रहा है और वियतनाम में लेबर वेजेस भी कम है, तो हम वहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। एक और रीजन जो एफडीआई के सपोर्ट में दिया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, और इससे एफडीआई के आने से यही टेक्नोलॉजी डिफ्यूज होती है नीचे और हमारे ग्रोथ के लिए काफी सहायकमंद है। लेकिन आप एक बात सोच कर देखिए, जो कंपनीज यहां पर आती हैं और मैन्युफैक्चर करती हैं, क्या वो उस अपनी उस टेक्नोलॉजी के जिससे उनको इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, क्या वो आसानी से नीचे दे देंगे, किसी और को दे देंगे? नहीं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी अपनी जो वह अपने पास ही कंजर्व करके रखती हैं, छुपा के रखती हैं, वो पब्लिकली डिफ्यूज कहने के लिए है, लेकिन वो पब्लिकली डिफ्यूज कभी होती नहीं है। और लॉन्ग टर्म में वैसे भी देखिए, लॉन्ग टर्म में हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल का सार यही है, तरह तरह से इस पॉइंट्स को प्रूव करते हैं ये जो राइटर हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम करने से काम नहीं चलेगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टेट को करना पड़ेगा, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन्वायरमेंट में, यहां अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे, दो फायदे क्या होंगे, एक तो डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और दूसरा एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, यानी मोर्टेलिटी रेट है, ये सब हैं, ये सब हमारी ठीक हो जाएंगे। इससे ज्यादा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं इसके। और एक बात दूसरी डिस्कस कर लेते हैं, जो एफडीआई हमारे देश में आई है उसकी नेचर कैसे है, उसका यानी किस तरह की एफडीआई आई है और कहां कहां आई है, ये आगे स्क्रीन में एक अच्छे आपको यहां पे दिख रहा है, इंफोग्राफिक पिक्चर यहां पर है। ये देखिए आप, ज्यादा जो हमारे देश में एफडीआई आई है वो आई है सर्विसेज में, यानी कंप्यूटर सेक्टर में, कंप्यूटर में फिनेंस, बैंकिंग, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। और लेबर इंटेंसिव जो हमारा सेक्टर है वो है ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेंटर, यानी यहां अगर ज्यादा एफडीआई आती है तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन ज्यादा एफडीआई आती है कैसे, जो हाई स्किल्ड एरियाज में, हाई स्किल्ड एरिया जैसे कंप्यूटर सेक्टर, आईटी सेक्टर, यहां आती है और यहां ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक लेवल के बाद में मिल नहीं पाती है। और दूसरा यहां पर रीजन निकल कर आ रहा है कि एफडीआई तो बढ़ी है लेकिन कहां कहां बढ़ी है, रीजनल डिस्पैरिटीज कितनी है,
जो ज्यादातर एफडीआई आई है वो देखिए आप दिल्ली में देखिए, पिक्चर में देखिए, दिल्ली में 31% एफडीआई, इसके आसपास एरियाज में यूपी हरियाणा में, और महाराष्ट्र में 23.91%, और उड़ीसा में देखिए आप 1% से भी कम। तो एफडीआई एक लेवल के बाद में रीजनल डिस्पेरिटीज भी क्रिएट करती है, रीजनल डिस्पेरिटीज यहां से होती हैं। और देखिए अगर हमें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अच्छे से लानी है तो हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना ही होगा, और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों रूप से क्वांटिटेटिवली भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटेटिवली भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आज इतनी आर्टिकल डिस्कस करते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।